कल्चर क्या है यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, पूरे पूरे एक एक चीज को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा कि क्या चीज है, किस तरह रहने का, बैठने का क्या सिस्टम है, कैसा कल्चर है, उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। ये देख सकते हैं आप बैठने का किस तरह का, ये टायरों को जोड़ के बैठने के लिए बनाया गया है, संसाधन तैयार किए गए हैं। आगे आप देख सकते हैं ये पंखा है, बीजना लिखा हुआ भी है, एक चीज के ऊपर बताया गया है कौन चीज क्या है, इस पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। बीजना का नाम से गुजरों की जो भाषा है उसमें बीजना बोला जाता है, हवा करने वाले जो कम पंखा बोलते हैं उसको यहाँ बीजना बोला जाता है, उसके बारे में दिखाने की कोशिश की गई है। आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ और भी दिखाने की कोशिश की गई है, क्या चीजें हैं, बैठने के लिए क्या है। ये जो ज्यादातर सामान है सब पानी ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पानी में सर पे बड़ा घड़ा किस चीज पे रखना है, छोटा घड़ा किस चीज पे रखना है, और ये सब सिरों के लिए है। जब हम सिर पे रख के महिलाएं पानी को लेकर चलती हैं तो इसकी वजह से सर पर लोड नहीं पड़ता है उसको, उससे दिक्कत नहीं आती है। इसको ईडी बोला जाता है, जो मेन भाषा इंडोली बोला जाता है। अगर आगे की बात करें, ये फूलों के रख रखाव के लिए सामान है, इसको फ्लावर पोर्ट बोलते हैं, और नीचे कुछ महापुरुषों के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आगे गांधी जी, सरदार पटेल जी, लाला लाजपत राय जी की फोटो यहाँ लगाई गई है, आगे भी वीर भगत सिंह, महाराणा प्रताप और महात्मा बुद्ध की फोटो लगी है, गुलदस्ते हैं ये। और आगे आप देख सकते हैं इधर इधर का जो नजारा है, बोतलों को हमारे यहाँ बोतलों को फोड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करके एक पूरा का पूरा डिजाइन तैयार किया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में बोतलों को किस तरीके से सजाया गया है। यहाँ इधर देखे तो अगर दयानंद सरस्वती जी की फोटो लगी हुई है, इनका समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये, शायद लाला लाजपत राय जी हैं, उनकी फोटो लगी हुई है, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की लगी हुई है, सबकी फोटो भी यहाँ लगाई गई है। एक एक चीज को, किसी चीज को वेस्ट नहीं किया गया, हर चीज को इस्तेमाल करके एक नया डिजाइन तैयार किया गया है। यह देख सकते हैं आप, ये सामान शीशे का सामान है, और आगे अगर बात करें तो ये सामान जो है रसोई का सामान है, रसोई में गुजरों के यहाँ क्या क्या चीजें किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। ये चक्की है, पहले घरों में पिसाई इसी से की जाती थी, ये अनाज है इसको घुमा के उसको पिसा जाता था। बड़े वाली रही है, बड़े वाली रही का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, छोटे वाली जो बराबर वाली रही है दो रही कैसे इस्तेमाल करनी है उसका इस्तेमाल, लालटेन जो इसके ये क्या नाम है जी, विजेंद्र सिंह आर्य ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, तो ये सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ, ये वेस्ट के सामान से बनाया गया है सारा। ये गुजर महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें मैंने यहाँ पर नया लेकर के आया हूँ, गोल खाट, त्रिभुज खाट, दोमंजिल खाट, वेस्टेज सामान से बनाया गया है। टेरों से सेंटर टेबल बनाई गई है, जो पेंट की बाल्टी है उनसे ये मैंने चित्रकारी की है। दूसरा वुडन कार्विंग जो आप देख रहे हैं, आप विजय सिंह पतित की तस्वीर आप देख रहे हैं, वुडन कार्विंग से बनाया गया है। दूसरा जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी इंडी बनाई है मैंने, वो सामने देख रहे हैं आप, कम से कम हजारों इंडी मैंने बनाई है, वो आप देखेंगे। बोतलों को सजा करके बनाया गया है और हाथ के पंखे बनाए गए हैं, ये अच्छी तरह से आप देखिएगा, बहुत अच्छा। वेस्टेज जो सामान है उसको कूड़े से ढूंढ ढूंढ करके और मैंने ये बनाया है। और अभी यहाँ पे एक सेकंड, हमारे साथ में गुजरों के बहुत बड़ी शख्सियत जो जिनको करण के नाम से जाना जाता है, गुजरों का करण को कहा जाता है, नेपाल सिंह कसाना जी है जी। क्या तैयारियां, क्यों ये महोत्सव बुलाया गया? ये आप देख रहे हो कलाकृति, जो हमारे गुजर समाज के लोगों में हुनर है, उस हुनर को लोगों के सामने रखना है। अब हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी कलाकृति बना सकते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे हम आयात निर्यात का काम कर सकते हैं। जी जी। दूसरा, हमारा इंटरेक्शन, आज 13 स्टेट के लोग आ रहे हैं, तो 13 स्टेट के लोग एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाएंगे, और व्यापार में, शिक्षा में, नौकरी में या और समाज के अन्य सामूहिक काम करने में एक इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं। तो ये महोत्सव का फायदा सबसे ज्यादा इस विषय पर है। जी जी। और यहाँ पे राजकुमार भाटी जी है, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपने डिबेट में इनको काफी देखा होगा, और जब दादरी में जो कांड हुआ था उसके बाद काफी नजर आए, क्या कहना चाहेंगे जो गुर्जर महोत्सव आज बुलाया गया है?
बड़ा नाम हो गया राजकुमार भाटी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, गुर्जर भारतवर्ष की एक प्राचीनतम जाति है, बल्कि मैं कहूंगा ये जनजाति है, और गुर्जर संस्कृति भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों में है जी। और गुर्जर नाम जब आता है तो भारतीय संस्कृति का रक्षक इन्हें कहा जाता है। कुछ आधुनिकता के दौर में लोग प्राचीन चीजों को भूलते जा रहे हैं, जो हमारी विरासत है, जो हमारा गौरव है, जो नयापन है उसे भी स्वीकार करना चाहिए, जो नई खोज है, नई जो रिसर्च है उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन प्राचीनता को छोड़ना नहीं चाहिए जी। जी, तो ये जो यहाँ पे गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान का एक महोत्सव है जी। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें काफी लोग आ रहे हैं। मैं तो इन्हें देख के बहुत उत्साहित हूँ कि इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं, चारों तरफ से पूरे देश से लोग आ रहे हैं, और ये गुर्जर संस्कृति का मतलब भारतीय प्राचीन संस्कृति ये है, उसकी झलक यह मिल रही है जी। जी, हम दोबारा फिर सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, सबका पूरा का पूरा इंटरव्यू हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अब शायद एमसी स्क्वायर भी पहुंच चुके हैं स्टेज पर, एमसी स्क्वायर जी आ गए हैं, उनसे भी हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, चरखा जिसके बारे में आजादी का बड़े बड़े में करता है, गुर्जरों का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ चरखा ना चला हो, और गुर्जरों की जो आंदोलन में जो हिस्से रहे हैं वो सबसे अलग है। आप देख सकते हैं चरखा, आजादी के बारे में चरखे की काफी बातें हैं, चरखा पूरा तैयार गया, मैंने इतना बड़ा चरखा आज तक नहीं देखा, और भी बहुत सारे देख सकते हैं आप। भीड़ धीरे धीरे, गुर्जर जो लोग हैं पूरे क्षेत्र के, पूरे समुदाय के लोग, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।